चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का मुकदमा। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक वज़ीरे आला चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ केस पर समाप्त हुई है। परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। बीमारी के बाद चौधरी परवेज इलाही को जेल से अदालत में पेश नहीं किया गया। परवेज इलाही की अडियाला जेल से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। मजीद जानते हैं सच्चा से। जी सच्चा, बताइएगा, परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद न हो सके? जी बिल्कुल, परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में समाप्त हुई है। साबिक वज़ीरे आला चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ समाप्त चौधरी परवेज इलाही और मुलजम आज पेश नहीं हुए, इसलिए आज उन पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं की जा सकी। बीमारी के बायस चौधरी परवेज इलाही को जेल से अदालत में पेश नहीं किया जा सका। परवेज इलाही की अडियाला जेल से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है। परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए थे, वो जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर ने इनको आराम का इलाज का मशवरा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया, मजीद मेडिकल रिपोर्ट में कहा है कि परवेज इलाही को बुखार भी है और पेट खराब है। एंटी करप्शन कोर्ट परवेज इलाही दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाप्त 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाप्त की। परवेज इलाही के 10 शरीक मुलजमान अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने मुकदमे का चलान जमा करा रखा है। पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 से भर्ती होने वाले उम्मीदवार मुलजमान शामिल है। पंजाब असेंबली में तहरीरी इम्तिहान में फेल होने वाले मुलजमों को ग्रेड 17 में मुलाजमतें दी गई हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया है मजीद भर्ती होने वाले मुलाजमीन समीउल्लाह, वकास, सरवर, दानियाल और दीगर जो है वो शामिल है। परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने मुकदमा नंबर 09/23 दर्ज कर रखा है। जी अच्छा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि तरक्याती मंसूबों में जो करप्शन और किक बैक्स का मामला था उसमें भी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस पर समाप्त हुई है। हाँ जी बिल्कुल, तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए करप्शन और किक बैक्स वसूल करने का रेफरेंस है। एहतसाब अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाप्त हुई है। परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर एहतसाब अदालत में आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाप्त 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। शरीक मुलजम मोहम्मद खान भट्टी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। चौधरी परवेज इलाही का अडियाला जेल से मेडिकल सर्टिफिकेट एहतसाब अदालत में जमा करवाया गया। चौधरी परवेज इलाही की सेहत खराब है और वो सफर नहीं कर सकते, मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया। और मजीद रिपोर्ट में कहा गया कि परवेज इलाही को बुखार है और पेट में भी दर्द है। परवेज इलाही गुज़श्ता दिनों वॉशरूम से गिर पड़े थे। जी बहुत शुक्रिया सच्चा, तफसीलात से आगाह करने के लिए।